हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमबीए एजुकेशन। और आज हम कर रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, और वो भी टॉपिक उठाए हमने, एक एक टॉपिक करके करें। और आज जो चैप्टर उठाए वो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ से ऑन एन एवरेज दो क्वेश्चन हर बार नीट में आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 2018 में जो आए हुए क्वेश्चन है। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम वन एंड दोज इन कॉलम टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे दिए हुए चार ऑप्शन, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। तो अगर हम यहाँ पे एनसीईआरटी को देखें तो एनसीईआरटी में चारों के चारों ऑप्शन से डायरेक्ट उठाए गए हैं। टाइडल वॉल्यूम होता है 500 मिलीलीटर, इंस्पिरेटरी रिजर्व 250 से 3000, एक्सपिरेटरी 1000 से 1100 और रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200। इस हिसाब से इसका आंसर होता है फोर्थ। अब अगर यहाँ पे एनसीईआरटी में देखें तो टाइडल वॉल्यूम में लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल, यहाँ पे लिखा हुआ है 500 मिलीलीटर। इंस्पिरेशन आईआरवी में लिखा हुआ है 250 से 3000 और एक्सपिरेटरी में लिखा हुआ है 1000 से 1100। और ऊपर ही ऊपर अगर हम रेजिडुअल वॉल्यूम देखें तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है 1100 से 1200 मिलीलीटर। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग कंडीशन इन अस्थमा एंड एम्फाइसिमा रिस्पेक्टिवली। तो इसका आंसर सबसे पहला ही है, देख ले, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स, और दूसरा है डिक्रीज रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। यानी इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स तो आता है अस्थमा से रिलेटेड, और डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो रिलेटेड है एम्फाइसिमा से। तो हम एनसीईआरटी का अगर लास्ट ही पेज खोलते हैं जहाँ पे डिसऑर्डर स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले अस्थमा के बारे में लिखा हुआ है, अस्थमा इज ए डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल। तो ये तो हो गया अस्थमा, यानी इन्फ्लामेशन हो गया। एम्फाइसिमा लिखा हुआ है, इज ए क्रॉनिक डिसऑर्डर इन विच एल्यूलर वॉल्स आर डैमेज्ड ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज्ड। तो यहाँ पे जो एम्फाइसिमा उसमें रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज होता है, और जो इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स है वो अस्थमा में होता है। अब देख ले हैं थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो यहाँ पे पहला लिखा हुआ है एंथ्रेसिस, एम्फाइसिमा, बोटुलिज्म और सिलिकोसिस। तो इसका आंसर आएगा सिलिकोसिस। आपको बता दें कि ये एनसीईआरटी से आउट ऑफ सिलेबस था, एनसीईआरटी के अंदर ये नहीं है आंसर। इस सिलिकोसिस होता है जो मतलब सिलिका, यानी जो मिट्टी वगैरह में जो ज़्यादा वर्क करते हैं, तो वहाँ पे जो मिट्टी वगैरह है वो लंग्स में चली जाती है, तो जो बहुत छोटे बारीक कण होते हैं जो, तो इसी वजह से उनको डिजीज हो जाती है, लंग्स उनके डैमेज होने लगते हैं, और वहाँ पे जो डिजीज होती है उसे बोल देते हैं सिलिकोसिस। तो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी था। अब देखते हैं नीट 2017 के क्वेश्चन। यहाँ पे इस चैप्टर से केवल एक क्वेश्चन पूछा गया था, और वो क्वेश्चन है, लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फील्ड सैक्स द एल्वियोलाई दैट डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन बिकॉज ऑफ। यहाँ पे IRV, TV, ERV और रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इसका आंसर है रेजिडुअल वॉल्यूम। एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है, बट डायरेक्ट बिल्कुल डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है कि कोलैप्स इसकी वजह से नहीं होते हैं। तो हम एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी है वो देखते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपीरेशन। तो वही क्वेश्चन में पूछा गया, फोर्सफुल एक्सपीरेशन वर्ड यूज किया गया। यहाँ पे वो बता रहा है कि वो हवा जो फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद भी जो लंग्स में रह जाती है, और अगर लंग्स में अगर कुछ हवा है यानी कुछ प्रेशर है, तो उसी वजह से लंग्स कोलैप्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर बिल्कुल वैक्यूम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, तब लंग्स कोलैप्स करेंगे। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली ये आंसर यहाँ पे दिया गया है। अब है नीट 2016 के फेज फर्स्ट के। 2016 में दो बार पेपर हुआ था, जो पहला फेज हुआ था उसमें केवल दो क्वेश्चन आए थे, वो देखते हैं, नेम द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए, रेस्पिरेटरी एल्कोसिस, एम्फाइसिमा, अस्थमा, रेस्पिरेटरी एक्योडोसिस। इसका आंसर है सेकंड, एम्फाइसिमा। देखिए एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है एम्फाइसिमा में, इट इज ए क्रॉनिक डिसऑर्डर इन विच एल्यूलर वॉल्स आर डैमेज ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज्ड, वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस इज सिगरेट स्मोकिंग। तो यहाँ सिगरेट स्मोकिंग से कौन सी डिजीज हो सकती है, एम्फाइसिमा। अगला क्वेश्चन है, रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल। पहला ऑप्शन देखोगे तो रिलीज बाइकार्बोनेट्स आयन बाय द लीवर, सेकंड है रिड्यूस द रेट ऑफ हार्ट बीट, थर्ड है रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, और फोर्थ लिखा हुआ है डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। तो इसका आंसर आएगा फोर, क्योंकि अगर हम एनसीईआरटी में जाते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में, वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, वेयर इज इन द टिश्यू वेयर लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड हाई H+ आयन कंसेंट्रेशन एंड हायर टेम्परेचर एग्जिस्ट, द कंडीशन आर ऑल फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीहीमोग्लोबिन। यानी अगर ये सारी कंडीशन होगी तो यहाँ पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का क्या होगा, डिसोसिएशन हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग
और हीमोग्लोबिन अलग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाई एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन, हाई एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन यानी हाई एसिड, और हाईली एसिड होगा तो उसका पीएच लो होगा। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट पूछा गया है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो हाई एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन होता है तो पीएच लो हो जाता है, और ये सारी किसके लिए होती है, डिसोसिएशन हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हीमोग्लोबिन अलग के लिए टिश्यू में। अब देखते हैं नीट 2016 के फेज टू से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग इज, पहला ऑप्शन है इक्वल टू दैट इन द ब्लड, मोर दैट इन द ब्लड, लेस देन दैट इन द ब्लड, एंड फोर्थ ऑप्शन है लेस देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर आएगा मोर दैट देन इन द ब्लड। अगर हम इसको एनसीईआरटी से देखें तो वहाँ पे साफ साफ इस टेबल में लिखा हुआ है, एल्यूलाई में दिया हुआ है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 104, कार्बन डाइऑक्साइड का है 40, तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड से सो ज़्यादा हो चुका है 104। अब ब्लड में देखोगे तो डीऑक्सीजनेटेड में 40 है, ऑक्सीजनेटेड में 95 है, तो 95 से 104 ज़्यादा है, 40 से भी 104 ज़्यादा है, तो ओवरऑल ब्लड से ज़्यादा ही है और कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा ही है, तो इसका आंसर इसीलिए आ गया था सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है When you hold your breath, which of the following gas changes in blood would first lead to the urge to breathe? Option D में rising CO2 concentration, falling CO2 concentration, rising CO2 concentration and falling oxygen concentration. और fourth option है falling oxygen concentration. तो इसका answer आएगा rising CO2 concentration. तो NCERT में ये देखिए लिखा हुआ है, A chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center which is highly sensitive to CO2 and hydrogen ion. Increase in these substances can activate this center which in turn can signal the rhythm center to make necessary adjustment in the respiratory process by which these substances can be eliminated. Yani agar CO2, carbon dioxide aur hydrogen ion concentration high ho jaye to ye inko nikalna zaruri hai, eliminate karna bahut zyada zaruri hai. और इसी पैराग्राफ के लास्ट लाइन में लिखा हुआ है द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, यानी ऑक्सीजन का रोल रेस्पिरेशन रिदम में नहीं होता है। तो वहाँ पे लिखा होता है राइजिंग CO2 एंड फॉलिंग ऑक्सीजन, उसका कोई लिंक नहीं है, ऑक्सीजन का तो कोई लिंक ही नहीं है यहाँ पे, इसीलिए उसका आंसर था सेकेंड इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन। अब देखते हैं नीट 2015 से क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है नेम द पल्मोनरी डिजीज इन विच एल्यूलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन गैस एक्सचेंज इज ड्रास्टिकली रिड्यूस ड्यू टू डैमेज इन द एल्यूलर वॉल्स, इसके चार ऑप्शन है अस्थमा, प्लूरिसिटी, एम्फाइसिमा और निमोनिया। तो इसका आंसर आएगा एम्फाइसिमा, और ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है डिसऑर्डर में, एम्फाइसिमा इज ए क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच एल्यूलर वॉल्स आर डैमेज्ड ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज्ड। तो यहाँ पे एम्फाइसिमा साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे एल्यूलर वॉल्स जो डैमेज हो जाती है और उसी की वजह से जो सरफेस एरिया वो डिक्रीज हो जाते हैं, इसलिए आंसर आएगा एम्फाइसिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाय द ब्लड विल ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स बाय एज कार्बोनेट आयन्स इन द फॉर्म ऑफ डिजोल्व गैस मॉलिक्यूल बाय बाइंडिंग टू RBC और एज कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। तो इसका आंसर आएगा इन एज ए कार्बोनेट आयन। तो ये एनसीईआरटी के 274 पेज नंबर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में लिखा हुआ है नियरली 20-25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC वेयर इज 70% ऑफ इट इज कैरिड एज बाई कार्बोनेट आयन्स। तो यानी 70% किसके थ्रू होगी, बाइकार्बोनेट आयन के। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।